बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुल हादी ईसा से मैं एक और वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो के टॉपिक में कोर्स सिलेक्शन है और इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक वो जिन्होंने कोर्स सिलेक्शन करनी है, जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, कोर्स एक्सेप्शन के थ्रू फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, इसमें हम जो कवर करेंगे कोर्स सिलेक्शन रूल्स, सब्जेक्ट को ऐड और ड्रॉप करना, हम दो तीन दफ़ा इसको ऐड भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतरीन समझ आ सके। ठीक, इससे पहले भी कोर्स सिलेक्शन की वीडियो बना चुका हूँ, वो अगर आपने देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वो भी आपने यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वो भी आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं जी कोर्स एग्जामिनेशन की तरफ से। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ना सिर्फ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं जी, फ्री ऑफ कास्ट असाइनमेंट जीडीपी के जो एक्टिविटीज आती हैं आपके पूरे सेमेस्टर में वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको एक वेबसाइट का भी तारफ करवा लूँ कि यही वेबसाइट abdulhadiisafzi.com। ठीक है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो आपने यूज़ करने होंगे आपके स्टडी के दौरान, आप जो भी हो करेंगे वो भी आप मिलेंगे, पास पेपर मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ग्रुप मिलेंगे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी आपने इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। चलते हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से आपने कर लेना है जी। ठीक है, तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ की। जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कोर्स एग्जामिनेशन, जो कि एग्जामिनेशन जिन्होंने फिफ्थ एडमिशन दिया है सेमेस्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये उन्होंने जो बेसिक थे, आपको स्टडी स्कीम दिखा लेता हूँ मैं आपको। पहले स्टडी स्कीम ओपन करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है जी, आप देख लें। ठीक है, स्टडी स्कीम चेक कर लें कि क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब एडमिशन किसी का होता है फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होते हैं ये वाले सब्जेक्ट्स, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाती है पहले से। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरी ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी कि अगर ये इनको चॉइस ना दी जाए फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स करने की, सिलेक्शन करने की, तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, एक नहीं बल्कि कई ज़्यादा सेमेस्टर लग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मीटिंग हो रही है अभी, तो जैसे कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, इसी वजह से ये ओपन लेट हुई है, तो कि इनके लिए फाइनल डिसीजन करना था। वो क्या हुआ है आगे नेक्स्ट बताते हैं जी आपको, क्या डिसीजन हुआ है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इनमें से जो एग्जेम्प्टेड थे वो तो माफ़ हो गए हैं, और जो पेंडिंग है वो सब्जेक्ट्स में ये देखें CS 101 एक, ठीक है, इस तरह ये दोनों सब्जेक्ट्स में ये पेंडिंग में है, ये सिलेक्शन हो चुकी है पहले से, लेकिन इनको भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन जो नॉर्मल फर्स्ट स्टूडेंट हैं उनके पहले से जो है ना सिलेक्शन हो चुकी होती है, उसमें मजीद नहीं कर सकते, ड्रॉप कर सकते हैं, वो आगे आकर मजीद बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं जी, सबसे आपने कोर्स सिलेक्शन पर जाना है, आप नीचे आ जाना है थोड़ा सा, यहाँ पर देखें जी कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो कोर्स सिलेक्शन को ओपन करता हूँ, ये मैं अभी एग्जेम्प्टेड वालों को पहले डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले ये छोटा सा एक बटन बना हुआ है, यहाँ पर क्या है कि रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप ओपन रखते हैं, माउस रखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि क्लिक हियर टू व्यू रूल्स एंड प्रोसीजर टू फॉर कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो न्यू टैब में ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम आपका होता है, ये देखें BS मैथमेटिक्स हैं, तो यहाँ पर इनके BS मैथमेटिक्स के कोर्स सिलेक्शन वाली रूल्स जो है ना वो सारे ओपन हो चुके हैं। ठीक है, कैसे करनी है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जी कोर्स सिलेक्शन वाली बात करते हैं जी। नीचे आपने जो देखना है वो देखना है कि मैक्सिमम कैडेट लिमिट्स कितने हैं, 21 है, यानी आप 21 कैडेट खावर्स रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो डिसीजन ये है कि जिनका पहले तकरीबन 60-70% मार्क्स थे, यानी 3.00 CGPA था, उनके लिए 21 रखे गए, इससे कम था उनके लिए 18 यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में रखे गए हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं। ठीक है, दूसरी बात अक्सर कमेंट्स में आया है कि भाई सर दोस्त ये क्या लिखा हुआ है जी, हम तो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। बिल्कुल ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, लेकिन यहाँ पर करंट सेमेस्टर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो भाई आपका इस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर नंबर 1 है। ठीक है, फिफ्थ बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा, किसी जगह पर भी नहीं लिखा होगा, नंबर 1 होगा, आपने ये कवर करना, जितनी भी आपके स्टडी स्कीम में पेंडिंग है वो सब्जेक्ट आपने कवर करना, जितने अरसे में कवर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चले जी आप चलते हैं जी नीचे जी। अब आपके पास 11 बुक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कैरियर खबर जो मैंने अभी बताए थे ये वाले
और ये हैं, इनको आपने नोट करना है, ठीक है। ये 21 क्रेडिट आवर्स रख सकते हैं, इससे कम रखना चाहें तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, कम अज कम एक सब्जेक्ट लाजमी रखना आपने, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काउंट करता जाऊंगा, साथ साथ आपने भी देखने जाना है कि देखें जी ये हो गया 3 है, ये भी 3 है, तो मैंने 21 रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। मेरी अपनी स्टडी है कि मेरी अगर मुझे मेरी जॉब है तो मैं कम रख लूँ, ठीक है। 3 कम अज कम 3 है इन एक सब्जेक्ट, ठीक है, 1 भी है लेकिन कम अज कम आपने 3 लाजमी रखने हैं, क्योंकि आपने एक ही फीस जमा करवा चुके होते हैं, लेकिन 3 लाजमी रखें, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है। 3 कैडेट खावर्स की बात करूँ, ये मैंने भी आपको जो बॉक्स में बनाया हुआ है, ठीक है। तो भाई मैं करता हूँ कि ये 3 3 6 हो गए और 1 7 हो गया, ठीक है, और फिर 3 जमा किए 10 हो गए, और उसके बाद 3 हो गए यहाँ पर 13, मैं इंग्लिश मीडियम के साथ बताता जाऊँगी, उसके बाद ये हो गया 16, ये हो गया 19 और ये हो जाता है 22, ठीक है। तो 22 यहाँ पर नहीं रख सकते, 7 बुक्स रख सकते हैं, अगर किसी को ड्राप करना चाहे यहाँ पर कर, इसको ड्राप कर लेता हूँ तो फिर आप यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी ड्राप का मतलब है जहाँ से ये रेड हो जाएगा तो नीचे इस साइड पर हो जाएगा, आप मेरी इस साइड करना है तो आपने इसको ऑफ कर लेना, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा ग्रीन की सूरत में, ठीक है। जो करना चाहे आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है कि आप देखता चाहें कि मैं चले CS201 मुश्किल है इसको करता हूँ ख़त्म, आप STA301 रख लेता हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक की तरीके के मुताबिक, यानी पहले 5 रख लें, पहले 6 रख लें, पहले 3 रख लें, आप इन 11 बुक्स में किसी भी चीज़ पर टिक कर सकते हैं और वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये देख लें मैं रही रख लेता हूँ, अब यहाँ पर आपने नीचे रखना है सेव सिलेक्शन बटन हमारे पास ही, ठीक है। याद रखें बाज़ औक़ात फर्स्ट डे सेव सिलेक्शन नहीं आता, लेकिन ये आज अभी सही वर्किंग कर रही है वेबसाइट, तो आपने इस चीज़ का परेशान नहीं होना, ठीक है। तो सेव सिलेक्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्सेज कंटेनिंग क्रेडिट हैवर मोर देन 21, बिल्कुल इसी वजह से मैंने पहले बात नहीं बताई कि काउंट नहीं किया। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि 3 3 कितने हो गए 6, और ये 3 3 6 9 12 15 18 देखिए 21 और 3 कितने हो गए 24 रख लिए थे, तो मैं यहाँ पर ड्राप कर लेता हूँ, ये ड्राप कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी है। सेव सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने सेव सिलेक्शन पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पर 3 आ जाते हैं, आपने पहले पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो दूसरे पर क्लिक करना है, कैलकुलेटर चेक करना चाहते हैं कि मेरा CGPA कितना का आ सकता है, कितने नंबर लूँ, कितना आ सकता है, तो ये कहा था, लेकिन आप रिकमेंडेड है कि आप पहले पर क्लिक करें लोड सेलेक्टेड कोर्सेज पर, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो लोड हो जाएगा, ये तमाम सब्जेक्ट जो मैंने भी टिक किए थे वो सारे हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ख्याल आया है 10 नवंबर से पहले भाई क्लासेस शुरू हुई हुई हैं, तो भाई CS301 भी मुश्किल है और इंग्लिश चले STA301 मुश्किल है, तो मेरी जॉब भी है या मेरी एक जो डेली रूटीन है ये मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ड्राप कर लूँ, कोई बात नहीं, क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी तब भी, क्योंकि आपने यहाँ पर देखना है लिखा सेलेक्ट ड्राप टिल इस डेट तक 10 नवंबर तक, ऐड भी कर सकते हैं ड्राप भी कर सकते हैं। ड्राप आप देखें जी दोबारा वही प्रोसीजर कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जी चले मैं 202 ड्राप कर लेता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता भाई, 622 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कोई भी आप ड्राप करना चाहिए सेल सिलेक्शन कर लें, दोबारा लोड सेलेक्टेड कोर्सेज के सामने क्लिक खेल पर वो चीज़ें ख़त्म, वो सब्जेक्ट ख़त्म, ठीक है। 10 नवंबर के बाद आपके पास ये चॉइस नहीं होगी, जो आपने रख लिए होंगे, जो आपने सेव कर लिए होंगे वही रहेंगे, इसके बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यही रूल थे, अब चलते हैं जी नए जो दूसरा टॉपिक है कि जो पहले से स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर वाले या नए कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए कोर्स सिलेक्शन ओपन करना है। आपने भी यहाँ पर ही देखना है कि 21 क्रेडिट आवर्स कितने अवेलेबल हैं, अगर आपका 3.00 से CGPA होगा या इससे ज़्यादा होगा तो आपको 21 मिलेगा, लेकिन इससे कम होगा तो आपको यहाँ पर 18 मिलेंगे, ठीक है। आपने इसी तरह करना जिस तरह पहले आपने देख लिया होगा कि जितने कैडर खावर्स यहाँ पर नोट करते जाना है ये वाले, और उनको सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर एक्शन के जो बटन है क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा,
दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं 10 नवंबर तक। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। स्लेव सिलेक्शन कर लेना आपने बार बार, जिस वक्त भी आप करना चाहें सिलेक्शन कर लें तो ये आपके लिए ऐड और ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।